धोपी सिटी स्टेशन से 4.7 के क्वार्टर वाट में, धोपी सिटी स्टेशन से 47 के, एक पी सिटी स्टेशन से 2.2 के, एक पी सिटी स्टेशन से 100 के, एक पी सिटी स्टेशन से 1 के, धोपी जेना डायोड 1 एंड 4148, धोपी ट्रांजिस्टर 2 एंड 5.01, धोपी ट्रांजिस्टर BD139, एक पी ट्रांजिस्टर BD140, एक पीस कैपेसिटर 100 PF, दो पीस कैपेसिटर 0.1 UF, एक पीस कैपेसिटर 10 UF 50 वोल्ट में, दो पीस 2-पिन XHB सॉकेट 2.54 mm का और एक पीस 3-पिन स्क्रू टाइमर वाले ट्रांसफार्मर इनपुट के लिए, एक पीस ब्रिज रेक्टिफायर GPU 808, 6 पीस डेस्टेज 10 ओम 0.5 वाट में, 3 पीस ट्रांजिस्टर C4793 और 3 पीस ट्रांजिस्टर A1837, 6 पीस रेजिस्टेंस 0.33 ओम 5 वाट में, 2 पीस कैपेसिटर 4700 UA 35 वोल्ट में, 1 पीस 2 पिन स्क्रू टर्मिनल स्पीकर आउटपुट के लिए। मेन ट्रांजिस्टर के पीछे हमने कोई भी हीटसिंक यूज़ नहीं किया है, पर आपको जरूर से यूज़ करना है। इस बोर्ड के लिए आप 1808 वोल्ट 5 से 6 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ प्री एम्पलीफायर है जिससे कि मैं इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट करूंगा। ये 47K का सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर है जिस पर मैंने स्टीरियो टू मोनो का कनेक्शन कर लिया है। फिलहाल इसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस 30 वाट के सबवूफर को यूज़ करने वाला हूँ। अभी इस बोर्ड में सारे कनेक्शन पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी हम इस बोर्ड का साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। Thank you.